अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी एक स्नैक यूज़र हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई आप टिकटॉक की जो 2022 और 2023 की सेटिंग है वो किस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो उस वीडियो पे और कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए कि भाई आपकी जो वीडियो है, जो स्नैक वीडियो की जिसमें आप सेटिंग बता रहे हो, उस वीडियो यानी कि उस टॉपिक पर एक दोबारा वीडियो बनाओ, क्योंकि सेटिंग काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। तो स्नैक वीडियो की जो सेटिंग है वो भी हमें आप बताएं 2022 और 23 की, किस तरह से जो है हम अपने स्नैक वीडियो को जो है किस तरह से उसकी सेटिंग करके जो है हम अपने अकाउंट को वायरल कर सकते हैं या अपनी वीडियो जो है वो हम वायरल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार इस पर एक दोबारा से एक वीडियो बना देते हैं, ताकि जो है काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप कौन सी सेटिंग किस तरह से करते हो, अपने स्नैक अकाउंट की जो सेटिंग है वो हमें बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा और एक दो टिप्स भी दूंगा जिन्हें यूज करके आप अपने अच्छे खासे फॉलोवर कर सकते हैं और अपनी वीडियोस आप वायरल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक करने के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले हम यहां पर, अब मोबाइल की स्क्रीन आपको साइड में देखने को मिल रही होगी, तो हम अभी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपने अपना स्नैक वीडियो एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहां पर जो मी का ऑप्शन आपको या प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है तो इस पर आपने बस क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से ये मेरा अकाउंट आप देख सकते हैं, 1,12,000 जो इस पर फॉलोअर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है मतलब स्नैक पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, इसीलिए जो है फिर भी जो इतने अल्हम्दुलिल्लाह से फॉलोवर है यहाँ पर मिल चुके हैं, क्योंकि मैं काम करता था पहले, पैसे मुझे मिलते थे। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर जो है 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक कर लेता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। सबसे पहले आपने अगर अपना मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया तो आपने अपना मोबाइल नंबर इसमें लाजमी से ऐड करना है, मोबाइल नंबर के बगैर आप अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होता। उसके बाद जो अकाउंट प्रोटेक्शन का ऑप्शन आपको सेकंड नंबर मिल रहा है तो आपने क्या करना है, इस अकाउंट प्रोटेक्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद इसे आपने ऑन करना है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे जो आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, सेट पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पासवर्ड आपको जो है इसी नंबर पे भेजा जाएगा, या अपना खुद का आपने पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहां से बैक कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहां पे एक सेटिंग मिल जाएगी, प्राइवेसी सेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेटिंग को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है, जिस तरह से मेरे अकाउंट की सेटिंग की हुई है इसी तरीके से आपने अपने अकाउंट की सेटिंग कर देनी होगी। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग्स पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले मिलेगा नॉट बी सजेस्ट टू अदर, इसे आपने यहां पे ऑफ कर देना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, अगर आपने ऑन किया है तो इसे ऑफ कर दें। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे दूसरा नंबर आपको, आई डू नॉट वॉन्ट टू अपियर इन नियर बाय, यानी कि अगर आपके कोई नजदीक है तो इसे हम जो है पता चल जाएगा कि भाई आपके नजदीक, तो इस ऑप्शन को भी आपने जो है बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको डाउनलोडिंग माई पोस्ट इज नॉट अलाउड, इसे भी आपने ऑफ करके रखना है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो कोई डाउनलोड नहीं करेगा तो कभी भी आपके अकाउंट पे वो दोबारा से विजिट नहीं करेगा, तो आपने इसे क्या करना है, ऑफ कर देना है। उसके बाद प्राइवेट अकाउंट को तो आपने ऑफ ही रहने देना है। देन उसके बाद ये देखें, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सेस माई ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसे आपने ऑन कर देना है। उसके बाद हाइड वीडियोज लाइक्ड, यानी जो वीडियो आपने लाइक की है वो हाइड होनी चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाइड फॉलोइंग लिस्ट, जो है आपके जो फॉलोवर है वो देख ना पाए, इसे भी आपने ऑफ रखना है। ठीक है, उसके बाद कमेंट, काफी सारे लोगों को कमेंट्स की प्रॉब्लम आती है तो ये जो कमेंट्स की सेटिंग आपको यहां पे देखने को मिल रही है, इस कमेंट वाली सेटिंग को आपने ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे सेव लॉगिन इंफॉर्मेशन, जितनी भी सेटिंग आपको नीचे मिल रही है ये सब की ऑफ है, तो आपने भी इसे ऑफ ही रहने देना है, आपने इसे छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके बाद बैक कर लेना है। एक सेटिंग और भी आपने यहां पे कर देनी होगी, वो कौन सी, यहां पे क्लियर कैचे पे आपने क्लिक करना है, या फिर जो है कैचे स्पेस लिखा है इस पर आपने क्लिक करके इसे आपने क्लियर कर देना है। ठीक है, इसे आप रोजाना क्लियर कर देंगे, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद बैक कर लें। बैक करने के बाद आपने प्रोफाइल पे आ जाना है, यहां पे एडिट प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने पहले अपना नाम सेलेक्ट करना है, ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जो यूनिक होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी के अकाउंट से सर्च करते हैं
तो सीधा ही आपका अकाउंट टॉप पे आए, ठीक है। उसके बाद यूजर नेम भी इस तरीके से आपने रखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, बर्थडे लाजमी वो सिलेक्ट करना है जिस पे जो है मतलब जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर बायो वगैरह लिखना चाहते हैं अपने बारे में, किस तरह से की वीडियो आप बनाते हैं और क्या क्या बताते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने बारे में। उसके बाद ये अवतार आपको देखने को मिलेगा, इससे कोई मतलब कोई इंपैक्ट नहीं होता अकाउंट पे। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपने यहाँ पे लाजमी देनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लेना है, उसके बाद इसकी लिंक जो है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो ये छोटी सी सेटिंग है, और जब भी वीडियो आप अपलोड करें तो आपने क्या करना, जो ट्रेंडिंग हैशटैग हैं वो आपने लगाने होते हैं। वो कहाँ पे मिलेंगे, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बार है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं काफी सारे, ठीक है। यहाँ पे चैट पे क्लिक करेंगे, चैट पे क्लिक करके यहाँ पे दो आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दो तरह के आते हैं, एक होता है स्नैक वीडियो ऑफिशियल, दूसरा होता है स्नैक वीडियो ट्यूटोरियल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्नैक वीडियो ऑफिशियल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यू हैशटैग है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है ये आपको यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इस हैशटैग का आपने यूज करना है, यानी ये एक हैशटैग ये हो गया। उसके अलावा ऊपर जाएंगे तो ये जो उसके पहले यानी कि वो जो हैशटैग आया था इसी तरीके से ये तीसरा, तीन से चार हैशटैग आपने लगाने होते हैं, ज्यादा आपने नहीं लगाने, बस एक हैशटैग आप अपने अपने प्रोफाइल का लगा देना है। तो ये जो हैशटैग आप लगाएंगे तो आपकी वीडियो 100% जो है वायरल भी होगी, और उसके अलावा अगर हैशटैग पे कोई किसी तरीका कोई रिवार्ड होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब कि आप पैसे भी जीत सकते हैं या फिर कोई चीज जो है वो भी जीत सकते हैं। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने हैशटैग पे काम किया था, उनकी वीडियोस वो वायरल हो गई, तो वो हैशटैग जो था उस पर कोई रिवार्ड रखा हुआ था, यानी कि आईफोन हो गया या आईपैड हो गया, तो उन्होंने वो जीते थे। यानी उनको पता ही नहीं था कि हम इस जो हैशटैग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मतलब उन्होंने तो वीडियो बनाई थी और यानी कि उनकी वीडियो वायरल हो गई, तो फिर उन पे जो है अच्छे खासे व्यूज आ गए, तो उन्हें जो एक मेरे दोस्त को जो है आईपैड मिला था, यानी कि मिनी 5 मेरे ख्याल में से मिला था। तो यही छोटी सी सेटिंग होती है, काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें पता नहीं है कौन सी सेटिंग किस तरह से करनी है। तो ये सेटिंग आपने कर लेनी है, अच्छी वीडियो बनानी है, आपका कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा नहीं होगा तो भाई आप कौन सी भी सेटिंग कर लें, कोई भी ट्रिक लगा लें, कोई फायदा नहीं होगा, आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी। कॉन्टेंट आपने अच्छा बनाना है और यूनिक सा कंटेंट बनाना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।